दिस ललन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ, गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण है। लीजिए लिवोजन टॉनिक, इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। डॉन ब्रैडमैन, क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े बल्लेबाज। इनके बारे में इतना कुछ लिखा जा चुका है कि उसमें शायद ही कुछ और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उसी दौर में एक ऐसा क्रिकेटर भी हुआ जिसे उतनी चर्चा नहीं मिली। वो क्रिकेटर जिसे लोग ब्लैक ब्रैडमैन कहते थे, लेकिन उसके चाहने वालों को ये पसंद नहीं था, तो उन्होंने ब्रैडमैन को ब्लैक हेडली कहना शुरू कर दिया। वो क्रिकेटर जो एक ऐसे देश में पैदा हुआ जहाँ क्रिकेट की शुरुआत मजदूरों ने की, और ये शुरुआत जुड़ी थी दुनिया की सबसे मशहूर नहरों में से एक पनामा नहर से। अब सरनेम और जगह जान ही गए हैं तो पूरा नाम भी बता ही देते हैं। हम बात कर रहे हैं जॉर्ज हेडली। 30 मई 1909 को पनामा में पैदा हुए जॉर्ज के पिता डिकॉर्सी हेडली ने पनामा नहर के निर्माण में काम किया था। बारबाडोस के रहने वाले डिकॉर्सी ने जमैका की इरेने रॉबर्ट्स से शादी की थी। जॉर्ज इन दोनों की ही संतान थे और इनका जन्म पनामा के शहर कोलोन में हुआ था। जब जॉर्ज 5 के हुए तब तक पनामा नहर बन चुकी। अब इनका परिवार नौकरी की तलाश में क्यूबा पहुंच गया। जब जॉर्ज 10 के हुए तो उनकी माँ बड़ी परेशान हुई। अंग्रेजी भाषी माता पिता के बेटे जॉर्ज धड़ाधड़ स्पैनिश में बात कर रहे थे। बस फिर क्या था, इरेने उनको लेकर तुरंत ही जमैका के लिए निकल पड़ी, जिससे उन्हें अंग्रेजी में पढ़ाया जा सके। लेकिन जॉर्ज के जीवन में असली मोड़ तब आया जब वे अपनी माँ के रिश्तेदारों के घर रहने लगे। किंगस्टन में रहने के दौरान ही उन्होंने एक विकेट कीपर के तौर पर स्कूल में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। इस बीच उनकी माँ क्यूबा लौट गई, लेकिन जॉर्ज का क्रिकेट करियर जारी रहा। स्कूल खत्म करने के बाद वे एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में टेम्परेरी क्लर्क की पोस्ट पर काम करने लगे, और साथ में वे सेंट एंड्रयूज की पुलिस टीम के साथ क्रिकेट भी खेलते थे। यहाँ उनका प्रदर्शन देख जमैका कोर्ट्स ने उन्हें प्रैक्टिस के लिए बुलाया, लेकिन अपनी नौकरी के चलते वे वहाँ नहीं जा पाए। इसी के चलते वे 1927 में लॉर्ड टेनिसन की इंग्लिश टीम के खिलाफ खेली जमैकन टीम में शामिल नहीं हो पाए। बाद में उन्होंने दूसरी नौकरी पकड़ी और जमैका टीम के साथ रेगुलर प्रैक्टिस करने लगे। साल 1928 में उन्होंने अपना पहला बड़ा मैच खेला टेनिसन की ही टीम के खिलाफ। 19 के जॉर्ज ने इस इकलौते मौके को भुनाते हुए एक ही पारी में 211 रन दिए। अगले मैच में इसी टीम के खिलाफ उन्होंने 71 रन मारे। हालांकि इस प्रदर्शन के बाद भी उन्हें इसी साल इंग्लैंड गई वेस्टइंडीज की टीम में एंट्री नहीं मिल पाई। अंततः उन्होंने 1929-30 में वेस्टइंडीज आई इंग्लैंड की टीम के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। इस सीरीज में जॉर्ज ने 8 पारियों में 703 रन बना डाले। इसके साथ ही विंडीज को उनका पहला सुपरस्टार बल्लेबाज मिल गया। 1930-31 के ऑस्ट्रेलिया टूर पर उन्होंने 1066 रन बनाकर अपना रुतबा और मजबूत कर लिया। अपने पहले टूर में आखिरी प्लेयर के रूप में बुलाए गए हेडली अगले 10 तक विंडीज की हर टीम में चुने जाने वाले पहले प्लेयर थे। प्रीवॉर एरा में उन्होंने 19 टेस्ट मैचों में विंडीज के 26.9% रन बनाए। ये ब्रैडमैन से भी ज्यादा था। इस दौरान ब्रैडमैन ने 37 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया के 26.5% रन बनाए थे। इस दौरान हेडली ने विंडीज के कुल 15 में से 10 शतक अकेले लगाए, जबकि इसी दौरान ब्रैडमैन के नाम ऑस्ट्रेलिया के 46 में से 21 शतक है। स्पिनर्स के खिलाफ हेडली का अंदाज अलग था। इस बारे में उनके टीममेट रहे जेफ स्टॉलमेयर ने ESPN से कहा, उसे स्पिनर्स की पहली गेंद पूरी ताकत से उनकी ही ओर मारना बहुत पसंद था। इसके जरिए वे उनके हाथों को चोट पहुंचाना चाहता था। ये जॉर्ज का तरीका था पक्का करने का कि स्पिनर्स उसे ज्यादा परेशान ना कर पाए। हेडली अक्सर जानबूझकर फील्डिंग कर रहे बॉलर्स की ओर दर्शाने वाले शॉट खेलते थे, जिसे वे गेंद की ओर लपके और किसी तरह खुद को चोटिल कर बैठे। हेडली ने अपने करियर में सिर्फ 22 टेस्ट खेले। इन मैचों में उन्होंने लगभग 61 की एवरेज से 2190 रन बनाए। इनमें 10 शतक और 5 अर्धशतक शामिल थे। विश्व युद्ध के चलते उनकी क्रिकेट का काफी नुकसान हुआ। हेडली ने विश्व युद्ध के बाद सिर्फ 3 टेस्ट मैच ही खेले। हालांकि इन 22 टेस्ट मैचों में ही उन्होंने इतना कमाल का खेल दिखाया कि उन्हें आज भी वेस्ट इंडीज का बेस्ट बल्लेबाज और क्रिकेट इतिहास के महानतम प्लेयर्स में से एक माना जाता है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सूरज ने। शुक्रिया।